हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और मैं सौराज सिंह, और टॉपिक है आज का हमारा राजा राममोहन रॉय। देखिए, राजा राममोहन रॉय बहुत ही उच्च कोटि के समाज सुधारक रहे हैं, तो इनके विषय में थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो है 1782 में, ग्राम राधानगर और जिला हुगली, प्रदेश था पश्चिम बंगाल। पिता थे इनका रमाकांत राय और माता तारिणी देवा। मृत्यु हुई थी इनकी 1833 में, और राजा की जो उपाधि दी थी दिल्ली के मुगल सम्राट द्वारा दी गई थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो इन्हें समाप्त करने के पश्चात वे जो है पटना में फारसी तथा अरबी का अध्ययन करने गए। वहां उन्होंने इस्लाम का भी गहनता पूर्वक अध्ययन किया। बनारस जाकर संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों को भी गहनता से अध्ययन करा उन्होंने। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान राममोहन राय ने डिग्री से ही प्राप्त किया था, और 1814 में नौकरी से त्याग पत्र देकर वे कलकत्ता चले गए, और 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, और 1815 में उन्होंने ब्रह्म सूत्र का बंगाल में अनुवाद कर प्रकाशित किया। ठीक है, ये इनका छोटा सा परिचय है। तो राजा राममोहन राय का क्या योगदान रहा है? देखिए, राजा राममोहन राय का योगदान था, कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राममोहन राय, पहला था बुद्धि पर बल। इन्होंने जो कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई बुद्धि पर बल देना, कि बुद्धि से सोचे हम, ऐसे ही ना कि किसी के बहकावे में या किस के भाई हाँ पीछे जो है परंपरा से चला रहा तो उसी पर चलते रहे। नहीं, बुद्धि पर जोर दिया था इन्होंने, एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंसेस। फिर है इनका दूसरा विश्व धर्म स्थापना। इन्होंने एक विश्व धर्म की स्थापना की थी के सभी मानव है और मानवतावादी एक धर्म है। उनका मानना यह था कि भाई हाँ एक विश्व में केवल एक ही धर्म है, तो विश्व धर्म की स्थापना की थी। एलिमेंट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। फिर है मूर्ति पूजा का विरोध, क्रिटिसिज्म ऑफ आइडल वर्शिप। देखिए, मूर्ति पूजा का विरोधी थे जो राजा राममोहन राय थे। उनका योगदान ये था कि भाई मूर्ति पूजा के भी बिल्कुल विरोधी थे। वो कहते थे कि जो अगर परमात्मा कण कण में है तो फिर मूर्ति में ही क्यों, सभी चीजों में। तो मूर्ति पूजा के वे विरोधी थे। वो कहते थे कि भाई मूर्तियों में भगवान नहीं है, सभी में भगवान है। अगर भगवान है तो सभी चीजों में, नहीं तो नहीं है। फिर उनका मानना था परंपरावादिता का विरोधी, वो क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। वो परंपरावादियों के विरोधी थे कि भाई हाँ कोई चीज बुद्धि से ना सोच के भाई हाँ प्राण हमारे बुजुर्ग करके तैयार है तो हम भी करें, नहीं, बुद्धि से काम लेना, उनका ये मानना था। फिर है ईसाई धर्म के दोषों की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियंस। वो ईसाई धर्म के दोषों की आलोचना करते थे, ईसाई धर्म की आलोचना नहीं, जो उनके दोष थे उत्पन्न हो गए थे उनकी आलोचना राजा राममोहन क्या करते थे। फिर है जाति प्रथा का विरोध, क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल विरोधी थे, है ना, जाति पाति ऊंच नीच, है ना, छुआछूत के, ये बिल्कुल उनके घोर विरोधी थे। फिर इनका जो सबसे बड़ा योगदान था सती प्रथा का विरोध, वो उन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। वो सती प्रथा के बिल्कुल विरोधी थे। वो ये कहते थे कि भाई हाँ सती प्रथा बिल्कुल खराब चीज है, नहीं होनी चाहिए। फिर है नारी के कल्याण हेतु प्रयास, एफर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ वोमेन। वो नारी के कल्याण के जो हेतु क्या करते थे, प्रयास करते थे नारी के कल्याण के लिए, वो एफर्ट करते थे। उन्होंने नारी के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान अगर हम नारी के लिए है तो वो राजा राममोहन राय जी का है। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल, वो राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देते थे। फिर समस्त धर्मों से में से गुणों का चयन, उनका मानना था कि समस्त धर्मों के गुणों में से जो है अच्छे गुण उन्हें लेने
चाहिए। तो ये उनका योगदान था। थैंक यू।